कर सकती है और इसका सदा तत्पर रहेगी। धन्यवाद। पार्टी में, पार्टी मुख्यालय में आज डॉक्टर अशोक नाग जी और इनके साथ साथ दर्जनों की संख्या में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कई इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों का, कई छात्रों का आज पार्टी में समागम हुआ है। मैं इनका सबसे पहले इस पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि चूँकि भूमिपुत्र हैं और इनका लंबे समय से हमारे साथ संबंध रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे साथ रहे हैं, एक पृष्ठभूमि है परिवार की भी, शिक्षा से जुड़े हुए हैं लेकिन झारखंड के विचारों से ओत प्रोत है, झारखंड की समझ है, झारखंड को समझते हैं और झारखंड के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पूरी टीम को, जिसमें एक बौद्धिक समाज जो आज संगठन में और ऊर्जामान व्यक्तित्व जो आज संगठन में आया है, उम्मीद करता हूं कि जो मिशन पार्टी का है और राज्य की जो राजनीतिक जरूरत है उसको पूरा करने में एक महती भूमिका और सहयोग दल के अंदर और हमारे विचारों को मिलेगा। और मेरी शुभकामना है कि ऐसे नेतृत्व से राज्य में और राज्य के राजनीतिक विचारों को उभार मिलेगा। संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जाएगी क्या? निश्चित रूप से संगठन ने, आपने देखा महाधिवेशन में हम सभी लोगों ने तय किया है कि जिस नारा को हमने बोल्डली रखा है और मैंने यूथ के लिए हमने आने वाले समय में क्रिएटिव रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें फ्रंट लाइन में नेतृत्व का और इस राज्य के लिए काम करने के अवसर देने का निश्चय किया। दादा, जो तीन राज्यों के परिणाम आए, हम आपकी जगह पांच मिजोरम भी आ जा ही रहा, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को? सकारात्मक सोच की जीत हुई है राज्य के अंदर और देश के अंदर में भी, नेगेटिविटी का जगह कम होते जा रहा है और एक देश के अंदर जो पॉजिटिविटी बनी है, जो पॉजिटिव माहौल बना है, एक सकारात्मक माहौल जो बना है, कहीं ना कहीं उसको बल मिला है। पब्लिक ने एक अच्छा चयन किया है और आने वाले समय जो अभी 2014 से जो एक देश को एक ऊंचाई तक ले जाने की पहल चली है उसको बल मिलेगा। क्षेत्रों के लिए क्या मैसेज है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए? देखो, क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सब में सीधे